देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों को जानकारी कि मंडल में जो है कुल 39 लोग जो तबलीगी जमात के लोग जिनका आना पाया गया था, तो उनके वेरिफिकेशन का कार्य जारी है। इस क्रम में मेरे द्वारा जनपद के तीनों पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। वह जनता से भी इस बात की अपील की जा रही है कि जो भी जमात हो या कोई फॉरेन ट्रेवल करके आया हो या किसी दूसरे प्रदेश से वापसी कर लिया हो, ऐसे जो भी लोग बाहर से आए हैं वो स्वयं से ही ये सूचना अपने संबंधित थाने को दे दे, संबंधित ग्राम प्रधान को दे दे, किसी भी तरीके से वो सूचना पुलिस विभाग और प्रशासन को मिल जाए, ताकि हम आवश्यकता अनुसार उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करने से लेकर के होम क्वारंटीन आदि कर सके। यदि भविष्य में ये सूचना छुपाते हैं और यदि भविष्य में ऐसे पाया जाता है कि वो संक्रमित पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि इस सूचना को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही इससे किसी प्रकार की भयभीत होने की आवश्यकता है। ये आपकी और हमारी सभी की भलाई के लिए है। आप अगर अपने हेल्थ की सूचना देते हैं और बताते हैं कि हम बाहर से आए हैं, तो हम लोग खुद ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आदि करवा लेंगे और इसमें कोई भय वाली बात नहीं है। तो सबसे अपील है कि आप सूचना दें, छुपाने से आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।